ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि मेरी तरफ से किसी पर कोई दबाव नहीं है, 15 जून को चार्जशीट दाखिल हो जाने दीजिए, तभी वो कुछ बोलेंगे। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पहलवानों और ब्रजभूषण के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें ब्रजभूषण सिंह की तरफ से कहा गया है कि मैंने किसी पर दबाव नहीं डाला है, 15 जून के बाद जब चार्जशीट आ जाएगी उसके बाद ही कुछ बोलूंगा। देखिए, अभी प्रकरण कोर्ट के संज्ञान में है और इसके पहले मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं, अभी मैं कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं। फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए और कोर्ट जब अपना फैसला देगा तो उस समय देखा जाएगा कि क्या बोलना है कि नहीं बोलना है। जो एक आप पे आरोप लगाया गया कि आप दबाव बनाते रहे खिलाड़ियों पर, लेकिन अब जो है उधर से ये हो रहा है कि उन पर दबाव बनाया गया कि इस तरह के केस दर्ज किए जाए। चलिए 15 तारीख को आने दीजिए, 15 तारीख। तो वही नाबालिग पहलवान के पिता के बयान बदलने पर विनेश फोगाट ने निराशा जाहिर की है। विनेश फोगाट ने ट्वीट किया है, लिखा है, डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा, ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाएं, इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण परमात्मा सबको हिम्मत दे। विनेश फोगाट ने ये ट्वीट किया है। बता दें कि नाबालिग पहलवान के पिता ने ये बयान बदला और इस बयान के बदलने के बाद विनेश फोगाट ने ट्वीट करते हुए निराशा जाहिर की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मेघा उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गई है। मेघा, अब यह पूरा मामला एक नए मोड़ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। नाबालिग के पिता ने बयान बदला, ब्रजभूषण कह रहे हैं कि वो 15 जून के बाद कुछ बोलेंगे, तो वहीं पहलवानों ने निराशा जाहिर की है। जी बिल्कुल, ब्रजभूषण शरण सिंह ने अभी एबीपी न्यूज पर बातचीत करते हुए कहा है कि वो उनको न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, अब वो इसके बाद जो भी बयान देंगे वो 15 जून के बाद, क्योंकि 15 जून की तारीख बड़ी अहम हो जाती है। अहम इसलिए क्योंकि अनुराग ठाकुर से लंबी बातचीत के बाद पहलवानों को जो तारीख मुकदर की गई थी, जो तारीख दिया गया था कि उस तक जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट करे, चार्जशीट फाइल करे 15 जून तक, तो 15 जून का वो समय है जब पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करेगी। और एक तरफ विनेश फोगाट का जो ट्वीट आया है, विनेश फोगाट ने ये कहते हुए कि डर और भय, लेकिन जो नाबालिग के पिता ने जो बयान बदला है वो बयान ये बदला है कि उनके साथ, उनकी बेटी के साथ कभी भी कोई उत्पीड़न नहीं बल्कि भेदभाव हुआ था, और इस भेदभाव के बाद उनकी कुछ नाराजगी थी, नाराजगी पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए ये यौन उत्पीड़न का इल्ज़ाम लगाया था जो नाबालिग के पिता ने वापस ले लिया है। तो वही ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अपनी बातों पे अड़े हुए, उन्होंने अभी भी यही कहा कि मैं जो बोलूंगा 15 जून के बाद बोलूंगा, क्योंकि 15 जून तक मुझे न्याय पर भरोसा है, मैं लगातार अपनी बातों पे टिका हुआ हूँ, मैंने जो बातें रखी थी वही मैं बातें अभी भी कहूंगा कि 15 जून का इंतजार करें, 15 जून के बाद जो भी न्याय व्यवस्था लेती है मुझे वो बिल्कुल मंजूर है, मैं उसी फैसले के साथ आगे चलूंगा। तो ये बिल्कुल हफ्ते भर का इंतजार कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरह से ये पूरा मामला मोड़ लेता है और आपके पास और भी अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। केवल एक कहानी है, कोई सबूत नहीं है, और ये अभी से दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, पूरे देश को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, 4 महीने से गुमराह कर रहे हैं। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार जिस दावे को दोहरा रहे थे वो सच है? ये सवाल उठता है। ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज करवाने वाली नाबालिग पहलवान के पिता के बड़े खुलासे के बाद, नाबालिग पहलवान के पिता ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, ये बेहतर है कि सच अदालत में आने के बजाय अभी सामने आ जाए। मैंने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी से नाराज था। नाबालिग के पिता के मुताबिक लखनऊ में 2022 में हुए एशियाई अंडर 17 चैंपियनशिप के ट्रायल में इनकी बेटी फाइनल में हार कर भारतीय टीम में जगह नहीं बना सकी थी। मैं बदले की भावना से भर गया था क्योंकि रेफरी के एक फैसले से मेरी बच्ची की 1 साल की मेहनत बेकार हो गई थी, मैंने बदला लेने का फैसला किया। इसलिए ब्रजभूषण के खिलाफ बदला लेने के लिए झूठी FIR दर्ज कराई गई थी। नाबालिग पहलवान के पिता के कबूलनामे के बाद अब ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मामला कमजोर होता दिखाई दे रहा है। सरकार ने भी खिलाड़ियों का आंदोलन खत्म कराने के लिए बड़े ऐलान किए हैं। बुधवार को महिला पहलवानों से 6 घंटे लंबी वार्ता और फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ये ऐलान, जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए
और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए, 15 जून तक चार्जशीट दायर यानी कि जांच पूर्ण करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है। यानी अब तक महिला पहलवानों के आंदोलन को लेकर सख्त सरकार अब दो कदम पीछे हटकर विवाद को सुलझाने में जुट गई है। खिलाड़ियों ने सुरक्षा की मांग की है कि महिला या पुरुष खिलाड़ी जिसको भी सुरक्षा की जरूरत हो उसको सुरक्षा दी जाए। मुकदमे वापस लेने की बात अखाड़ों पर, खिलाड़ियों पर, अकेडमीज पर, कोचेस पर की है। खेल मंत्री ने ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों से वापस रिंग में लौटने की अपील भी की। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।